ये जो मैं टेंट लाया था ना अपना, इन लोगों ने लगा करके घर में आज पिकनिक मनाई जा रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फैमिली बी एक्स बोले तो बिलियंस ऑफ स्टार्स, एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को आज की राम राम, और बाकी सबका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। गाइस, मैं सुमित मग्गू आज के नए व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज आपको मेरा बैकग्राउंड पीछे का दिख रहा होगा, सड़क का। जी हाँ, आज मैं खड़ा हूँ तिलक नगर में और अभिमांशु व्लॉग्स के अभिमांशु की वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक हिडन प्लेस पे लेकर जा रहा हूँ। जी हाँ, ये हिडन प्लेस कम है, एक मंदिर ज़्यादा है। और चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको हिमांशु से मिलवा दूँ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक अभिमांशु व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ये रहा अपना अभिमांशु। हेलो। ये एक बार पहले भी मिल चुका है मेरे से, लेकिन तब मैंने व्लॉग नहीं किया था, है ना जी। चलिए अब चलते हैं। हमने कहाँ जाना भाई? में कोई टेम्पल्स है ना, पहुँच के एक्सप्लोर करते हैं हम। चलो वहीं मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं मंगल महादेव मंदिर में, और यहाँ चलते हैं, आप लोगों को अंदर लेकर चलता हूँ अब सबसे पहले। तो गाइस, ये देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, भोले जी की मूर्ति है, और श्री रामचंद्र व सीता जी की मूर्ति है। लेकिन इधर आ रहा है बिल्कुल हमारे ऊपर सूरज, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, सिल्यूटे ज़्यादा बन रहा है और काम कम हो पा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया शॉट्स निकालने की कोशिश करेंगे हम। सारे कैमराज लेके आए हैं, 360 भी लेकर आया हूँ और सब लेकर आया हूँ, तो दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ यहाँ पर सिनेमैटिक शॉट्स निकालने के लिए। ये देखिए गाइस, हमें ग्रुप मिला है एक्सपी राइडर, डीएल राइडर हमारा ग्रुप का नाम है, वैसे वो चैनल का नाम है एक्सट्रीम राइडर। एक्सट्रीम राइडर सबका अलग अलग है यार। सही बात है, बस लेकिन मुझे जो अच्छा लगा ना, ये भाई का हेलमेट लगा, और भाई बड़ा थक गया है बेचारा, है गर्लफ्रेंड की याद में सो रहा है। तबियत खराब? नहीं नहीं, तबियत इसलिए खराब होगी क्योंकि गर्लफ्रेंड साथ नहीं आई। गर्लफ्रेंड नहीं है ये, बॉयफ्रेंड वाला है। तो गाइज, यहाँ शंकर भगवान की मूर्ति के साथ में कार्तिकेय जी और गणेश जी और पार्वती जी भी हैं यहाँ पर, और इस साइड हमारे नंदी जी बैठे हुए हैं, और सबका गोल्डन कलर है। बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, मैं पीछे की तरफ आपको इसलिए लेकर आया, पीछे ब्यूटीफुल गार्डन है, एकदम स्कैनिक, लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, तो बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का, देखिएगा ज़रूर। इस तरह बहुत प्यारी प्रतिमा है भगवान भोले की, माता राधा जी की, कृष्णा की, सीता मैया की, श्री रामचंद्र जी की।
मैंने सोचा था अगर स्काइज मिले ना तो यहाँ पर टाइम लैप्स निकालूंगा और मैं इंस्टा 360 वगैरह सारे अपने गैजेट्स लेकर चला था, लेकिन आज स्काइज ही नहीं है। कल तक इतने सारे बादल थे यहाँ पर, इतने सारे बादल थे, तो मुझे लगा एक टाइम लैप्स निकालने का मौका है बादलों के साथ में। लेकिन ये किस्मत होती है, क्या बात है, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। चलिए अब भोले जी के दर्शन कर लिए, राधा जी के दर्शन कर लिए, कृष्णा जी के कर लिए, सीता राम जी के कर लिए, अब हम यहाँ से लेते हैं विदाई और चलते हैं बाहर। तो गाइस अब अभी मानसू जाने को तैयार है, बाय बाय करते भाई। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और देखो मेरे चेहरे की क्या हालत हो रखी है, कुकर की सीटी भी बज गई। गाइस मिलिए संजना से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मिलिए पाऊ जी से, फ्लाइंग किची। मिलिए कुच्चू से। तो गाइस खुशी खा रही है छोले भटूरे का नाश्ता, और खाने दो इसको। और चलो अब मैं भी काम पर निकलूँ, बहुत देर हो गई मुझे भी काम से छोड़े हुए, एक घंटे से ऊपर हो गया। हाँ दर खुशी ने खुद लस्सी बनाई है गाइस। चलो कहाँ जाना है, स्विमिंग पूल जाना है? स्विमिंग पूल पक्का? ठीक है चलेंगे। तो गाइस लंच आ चुका है, आज संजना ने बनाया है छोले चावल, चलिए फटाफट खाना खाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं लाई हूँ मोमोज और फ्रेंच फ्राइज, अभी आधे निकाले हैं, और यहाँ पर मैंने लस्सी बनाई है, वो थोड़े से उनकी हुए हैं मैंगो वाली लस्सी मम्मी के साथ, और पाऊ अपने फ्रेंच फ्राइज खाने आ गई, अभी इसको और देंगे, है ना पाऊ? तो गाइस मैं खेल के आ गई हूँ और आज मुझे बिल्कुल भी संडे संडे ऐसा नहीं दिख लग रहा, क्योंकि हम हमेशा संडे पे पापा के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो आज घूमने तो नहीं जाएंगे पर आइसक्रीम ज़रूर लेंगे हम पाऊ और मैं। तो गाइस अभी अभी मैं घर आया हूँ, तो आज घर आकर मैं क्या देखता हूँ, मेरे बच्चों ने क्या काम कर रखा, क्या कारनामा कर रखा, देखिए ये जो मैं टेंट लाया था ना अपना, इन लोगों ने लगा करके घर में आज पिकनिक मनाई जा रही है। एक्चुअल में आज है संडे और संडे के दिन मैं जो हूँ सुबह सुबह चला गया, लेकिन आज मेरी दुकान खुली हुई थी क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी के कारण, तो मैं घर आता हूँ तो ये पिकनिक मनाई जा रही है यहाँ। पिकनिक अच्छी लग रही है लल्ली, चल हेलो कर दे सबको जल्दी से, और फ्लाइंग किच्ची कौन करेगा? और तेरी एक बात सबको अच्छी लगती है, हेलो गाइस चाय पी लो, इधर करके मुंह इधर करके बोल। तो गाइस यहाँ पर टेंट का ऐसा यूज किया जा रहा है, और ये लोग तो ये भी लगा रहे थे ऊपर वाला, तो मैंने बोला कि नहीं बेटा वो फिर गर्मी बहुत कर देगा अंदर, एक्चुअल में वो रेन से बचने के लिए है। चलिए अब मैं भी इन लोगों के साथ अंदर घुसता हूँ। तो गाइस मैं टाइसन पाऊ सब अंदर आ गए, और टाइसन फाड़ मत दियो बेटा, ओ टाइसन फाड़ मत दियो, अरे टाइम को बाहर निकालो भैया, फाड़ देगा यार, सांप सूप घुस जाएगा नहीं तो कहीं। तो गाइस डिनर आ चुका है और आज डिनर में बने आलू बैंगन की सब्जी और रोटी, चलिए खाना खाते हैं, और मैं भी टेंट में आकर बैठ गया हूँ बच्चों के साथ, देखो ये कैसे पसरी पड़ी है टेंट में, और पौआ को देखो, पौआ बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, खाना लगा लो बैठो। गाइस हम सैनिटाइजर यूज करते हैं क्योंकि हम कैंपिंग का है, कैंपिंग में आप हमेशा सैनिटाइजर यूज करके खाना खाना चाहिए, क्योंकि कैंपिंग में रिवर का पानी में साबुन आप मिला नहीं सकते, वो गंदी बात है।